बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टॉप कॉन एंड सोकिया ट्रूथ सेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रूथ सेशन के मेन फंक्शनल पेज में जाकर कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए F4 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने ऑब्जर्व कंडीशन के बाद सेकेंड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट कर लेना है। कर्सर की को यूज़ करते हुए मैं इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर पहुंचकर इंटर की प्रेस करूंगा तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन विंडो में सबसे पहला ऑप्शन हमें पावर सप्लाई का मिलता है, तो पावर सप्लाई के ऑप्शन को ओपन करने के लिए कर्सर की को इस्तेमाल करते हुए मैं पावर सप्लाई के ऑप्शन पर पहुंचकर इंटर की प्रेस कर रहा हूं। यहां आप हमें पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। पावर सप्लाई के बाद सेकंड ऑप्शन हमें इंस्ट्रूमेंट का मिलता है। डाउन कर्सर की को यूज़ करते हुए इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन पर पहुंचकर इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की विंडो ओपन आ जाएगी, जिसमें हम अपने ट्रूथ स्टेशन के डिस्प्ले का कंट्रास्ट ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने इसका कंट्रास्ट ज़्यादा किया है, तो आप देख सकते हैं कि हमें ट्रूथ स्टेशन का डिस्प्ले अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने दोबारा से इसका कंट्रास्ट कम किया है तो हमें इसके डिजिट नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अपने ट्रूथ स्टेशन के जो बटन को प्रेस करते हुए जो वॉल्यूम आता है उसको भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन की मेन चीज़ यूनिट सेटिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यूनिट का मिलता है। डाउन कर्सर की को यूज़ करते हुए यूनिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास यूनिट की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ हमें टम्परेचर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद एंगल का ऑप्शन भी है, एंगल में भी हम डिग्री, माइल एंड गॉन वगैरह में चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमें डिस्टेंस का ऑप्शन मिलता है कि हमने कौन से यूनिट में अपना डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ हमें डिस्टेंस का ऑप्शन मीटर, फिट एंड इंचेस का ऑप्शन मिलता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करते हुए चलते हैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन के पेज में। यूनिट के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड का मिलता है। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो पासवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं एज़ इट इज़ ही इसको रहने देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट डेट एंड टाइम की तरफ। हम अपने इंस्ट्रूमेंट में डेट भी चेंज कर सकते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट का टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मेरे इंस्ट्रूमेंट का डेट फॉर्मेट सबसे पहले मंथ है, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर्स है। तो डेट को चेंज करने के लिए हम न्यूमेरिकल की में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी बटन प्रेस करते हुए अपने सबसे पहले मंथ को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हमारी डेट है और लास्ट में हमारा ईयर्स है। तो मैंने ऐसे ही रैंडम एक डेट इंटर करके आपको चेक करवाया। दोबारा से अपनी ओरिजिनल सेटिंग के लिए मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया है। इसी तरीके से डाउन की कर्सर यूज़ करते हुए टाइम के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए इंटर की प्रेस करने के बाद हम टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सेम उसी प्रोसेस के साथ हम न्यूमेरिकल की इंटर करते हुए डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रूथ स्टेशन के तमाम फंक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
वो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।